सर कल ये अंशू ने अपने को एक लेटर दिया होगा सर, उसमें जितना डिपार्टमेंट का एफ आई आर डाला है तो उसको आप ये रजिस्टर नहीं कर रहा है, तो आप अभी क्या क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या है? देखिए परसों जब अंशू प्रेसिडेंट भी आए थे तो वो एक अपनी तरफ से एक कंप्लेंट लेकर के आए थे कि अलग अलग एफ आई आर जो हैं सबमिटेड हैं, उनके बारे में मैंने उनको भी अवगत कराया और मैं जनता को भी ये बताना चाहूँगा कि हम अलग अलग केस नहीं रजिस्टर कर रहे हैं, बट हमने सारी कंप्लेंट्स को जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सबको सम्मिलित करके एक बना करके एक ही केस के अंडर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है ये बहुत क्लियर है कि 2014 से लेकर के जैसे कि डिमांड थी पहले, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें अगर कोई भी हमारे पास कंप्लेंट है किसी भी तरीके की इररेगुलरिटी की तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है और हम कर भी रहे हैं। वो अलग अलग एफ आई आर रजिस्टर करने से जो है वो हम लोग का जो पेपर वर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको कम करने के लिए, लेकिन इंश्योर करने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन हर एग्ज़ाम में हो और ढंग से हो, तो हम एक ही केस के बैनर के अंडर सारी कंप्लेंट्स को लेकर के, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को, जेई को लेकर के हो, एई को लेकर के हो, एडीओ को हो, एचडीओ को हो, या एपीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर के भी हो, हम सबको एक ही केस में बना करके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उस दिन जब वो आंशू प्रेसिडेंट आए तो मैंने उनको उसका जो है बताया भी, उनको समझाया भी, और वो काफ़ी सेटिस्फाई होकर के उसके बाद जो है वापस गए। सर लास्ट टाइम जब ये मिनोटी फोरम का जब बेल हियरिंग हुआ था और दो लोग का, दो एक्यूज का भी बेल हियरिंग हुआ था सर, तो उसमें पता चला था कि वो उनको अरेस्ट नहीं हुआ है, वो एब्सकॉन्डिंग है, तो लोग अभी क्या हुआ? देखिए उन लोगों ने जो है हाई कोर्ट में, पहले मैं मिनोती बोरांग के बारे में बताता हूँ आपको, वो अभी जुडिशियल कस्टडी में ही हैं, जो है जूली जेल में हैं, और वहाँ से उन्होंने बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की है। उस बेल एप्लीकेशन को हमारे स्पेशल पीपी जो हैं उन्होंने हाई कोर्ट में कंटेस्ट किया है, हमने उसके खिलाफ जो है अपनी पॉइंट्स रखे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, और जो जजमेंट है उस पर अभी वो जज साहिबा ने रिजर्व कर रखी है, तो जब भी उसमें जजमेंट वो फाइनल देंगे तो उसके हिसाब से होगा कि वो जेल में रहेंगी कि उनको बेल मिलेगी। रही बात जो बाकी दो एप्लीकेंट्स हैं, उनको हम लोग खोज रहे थे, उन लोगों ने जो है अपनी एंटिसिपेटरी बेल जो है कोर्ट में डाली है, और जब तक जो है कोर्ट जजमेंट फाइनल नहीं हो जाता है कि वो बेल उनकी रिजेक्ट हुई है कि या उनकी बेल मिल गई है, तब तक जो है उस पर मैं नहीं कह सकता, वो कोर्ट की डिस्क्रेशन है। अगर उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो हम इंस्टेंटली उनको अरेस्ट करने के लिए मूव करेंगे। सर